जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है, कैसे मैं पता कर पाऊंगा। उसके साथ ही काफी ज्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो हमारे एडमिट कार्ड जारी होंगे वो क्या हमारे मेल पे आएंगे या मोबाइल नंबर पे आएंगे। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर मेल मेरी गलत हो गई, मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो ऐसे में मेरा एडमिट कार्ड जनरेट होगा या नहीं होगा। साथ ही किन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। साथ ही कब आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि इस बार सबसे पहले आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। और वैकेंसी के अकॉर्डिंग बात करें तो 7000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको रिटर्न में क्वालिफाई किया जाएगा, फिजिकल के लिए यहां पर बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कर देना, क्योंकि पहली बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में काफी बड़े बदलाव यहां पर किए जा रहे हैं और इस बार फिजिकल की जगह सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। और आप सभी को पता है बच्चों, हाल ही में बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है और बच्चों का फिजिक जो मेडिकल है वो भी हो चुका है। और अच्छी बात है कि 2021 का जो हमने बैच चलाया था वर्दी बैच, उसमें 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो इसी के तहत दोस्तों फिर से एक नया वर्दी बैच हमने लॉन्च किया 2023 की भर्ती के लिए, और ये भी दोस्तों उसी बैच की तरह बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है, जिनमें बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके, सभी सब्जेक्टों में आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, और वो भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासों के साथ में रिकॉर्डेड क्लासे आपके एप्लीकेशन में सेव रहेगी। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा बेस्ट फैकल्टी के साथ, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, संडे टू संडे लाइव टेस्ट मिलेगा, और ये सब कुछ आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर वो भी मात्र 399 रुपए में मिल रहा है। जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था उसमें भारी ऑफर चल रहा है, और दो दिन के लिए मात्र 399 रुपए मिल रहा है, जहां जाके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और बीएसएफ ट्रेड्समैन में जो आपको भर्ती होने का जो सपना है वो साकार कर सकते हैं। क्योंकि पिछली भर्ती से इस बार काफी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ फॉर्म की बात करें तो पिछली भर्ती से काफी कम फॉर्म अप्लाई हुए, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेज कर दिया गया था इस बार। अब यहां पर मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल को ओपन करके नहीं देखा है तो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है, आपको जाना है कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है, यहां पर आपको अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालना है, और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना भाई। बिल्कुल लॉगिन करते ही आपका पेज इस प्रकार का आ जाएगा, और इस प्रकार का पेज आ जाएगा, नीचे जाएंगे आपको क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर आपकी प्रोफाइल अपडेट आपको मिल रही होगी, और यहां पर जो आपने फॉर्म लगाया था उसकी एप्लीकेशन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, पहली चीज आपको ये नोट करनी है, यहां पर आपका फॉर्म है वो देख लेना, एप्लीकेशन स्टेटस आपको देखना है सबसे पहली चीज, और उसके साथ ही पेमेंट स्टेटस, ये दो चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस पर जिन बच्चों के सबमिटेड लिखा हुआ है उनका फॉर्म बिल्कुल 100% सबमिट हो चुका है, मतलब उसके बाद पेमेंट स्टेटस में भी आपके पेड लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपकी लिखी हुई है तो इसका मतलब आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी स्क्रूटनी का प्रोसेस की मैं बात आप लोगों को बताऊं तो बीएसएफ स्क्रूटनी का प्रोसेस करता है, वो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होता है, जब रिटर्न का एडमिट कार्ड जारी होगा उसी समय आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से हुआ है। लेकिन ये दो चीज अगर आप में यहां से अगर आपका सबमिटेड नहीं लिखा मिल रहा है और यहां पर पेमेंट स्टेटस पेड नहीं लिखा मिल रहा है तो आपका 100% फॉर्म भाई रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये दो चीज आप जरूर चेक कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहां पर किसका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कब तक हो सकता है, तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो अभी आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021 की जो भर्ती थी उसका प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। उसके बाद में आप सभी को पता है बीएसएफ में एक हेड पोस्ट एवं मिनिस्टर का रिक्रूटमेंट आया था जिसका फिजिकल वगैरह सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था, तो उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। लगभग आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई तक होने के चांसेस है, और ये बीच का जो समय आपके पास में है यही समय तय करेगा कि किनका सिलेक्शन होगा और किनका नहीं होगा, क्योंकि इस बार सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन कर दिया गया, और रिटर्न की अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि इस बार दोस्तों कुछ ट्रेड ऐसे कुक है, वाटर कैरियर है, वेटर है, इन ट्रेडों में बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्वीपर से अप्लाई किया तो भाई आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार
बदलाव करने की वजह से स्वीपर में सबसे ज्यादा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो चुके, तो अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे और बैच ज्वाइन नहीं किया तो आज से ही टारगेटेड होकर बैच ज्वाइन कर ले। इसी बैच से आपकी सीआरपीएफ की भी तैयारी हो जाएगी, इसी बैच से आपकी सीआईएसएफ की भी तैयारी हो जाएगी, असम राइफल की भी हो जाएगी, आईटीबीपी की भी हो जाएगी, क्योंकि लगभग सभी में सेम सिलेबस होता है और ट्रेडमैन का जो पेपर होता है वो लगभग सभी का सेम आता है, तो उसी लेवल से टारगेटेड आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर दीजिएगा, क्योंकि सारे रिक्रूटमेंटों का प्रोसेस है वो जुलाई तक कंप्लीट करवा लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया था और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।